चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और भूमि की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया गया था। फिल्म को लेके लोगों में जिस तरीके का उत्साह बना हुआ था वो देखने वाली बात थी। शायद इसी उत्साह का असर था कि यह फिल्म लगभग 3000 स्क्रीन पर पूरे भारत में रिलीज हुई। जिस तरह का के विषय पर यह फिल्म बनी है उसे देखते यह स्क्रीन काफी सही मिली भी थी। जितने स्क्रीन इस फिल्म को मिली है उसके मुताबिक अक्षय कुमार के इस फिल्म को बम्पर ओपनिंग भी मिली है। अगर हम फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो टॉयलेट एक प्रेम कथा ने करीब 15 करोड़ रुपए का कमाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म ने करीब 20 करोड़ का कलेक्शन किया था और तीसरे दिन का कलेक्शन करीब 25 करोड़ का रहा। अगर हम वीकेंड की बात करें तो फिल्म ने अब तक 60 करोड़ का कलेक्शन कर चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े स्टार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है, वहां इस फिल्म इंडस्ट्री से काफी उम्मीद थी कि यह फिल्म काफी बड़ी सुपर डुपर हिट होगी। इंडस्ट्री को लग रहा है कि अक्षय कुमार और भूमि की यह फिल्म एक बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम करेगी, जिसकी उम्मीद पहले फिल्मों से भी रही है। आपको बता दें कि फिल्म रिलीज से पहले ही फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें अक्षय कुमार के करीबी दोस्त ने भी शिरकत की थी। हालांकि यूए में फिल्म एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया था और यूए के दर्शकों को फिल्म काफी ज्यादा पसंद भी आया था।